नमस्कार, मैं हूं संजय। मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। यूं तो नागपुर की जो जनसंख्या है तकरीबन 45 लाख के आसपास है, ऐसे में यातायात का भी बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने वाई शेप पुल बनाया और साथ ही साथ नया लोहा पुल का RBU भी बनाया, जिसके चलते यातायात अब सुचारू ढंग से चलने लगेगी, जिसका लोकार्पण किया गया। इस मौके पर दीमानु से प्रवीण दटकी इन्होंने जानकारी दी है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते लोहा पुल के उस RBU के पास, जहां पे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका लोकार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज़ की टीम लोहा पुल के उस नए बने RUB के सामने में खड़ी है। हम आपको बता दें कि यहां पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों उद्घाटन किया जाने वाला है। थोड़ा पैन करके बताइए, देखिए यहां पे नागपुर शहर के लोग आए हैं जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा पैन कीजिए, बताइए कि ये जो नया RUB जो बना है, जिसे 25 करोड़ की लागत से 2 वर्ष की रिकॉर्ड अवधि में इस परियोजना को पूरा किया गया। परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बॉक्स पुशिंग तकनीक और रेल स्केलेटर पद्धति भी अपनाई गई है। तो वहीं रेल लाइन के नीचे बॉक्स लगाना वहां की कम ऊंचाई को देखते हुए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसे बखूबी के साथ इसे किया गया। 5 रेलवे लाइनों के नीचे और मौजूद RUB के सटे 2 बॉक्स बनाए गए हैं। दोनों बॉक्स में से प्रत्येक कुल की लंबाई, थोड़ा लंबाई बताइए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की जो लंबाई है ये 47 मीटर है। बक्से 2 मीटर चौड़े और 4.5 मीटर ऊंचे है। नया लोहा पुल मानव चौक को कॉटन मार्केट चौक से जोड़ता है, जिसे यातायात का जो एक प्रॉब्लम जो था वो कहीं प्रमाण में इसे कम किया गया है। अब यातायात सुचारू ढंग से यहां से आने जाने वाली है। मानव चौक से कॉटन मार्केट तक चौक वाहनों की आवाजाही एक तरफा और नए पुल से ये होने वाली है। कॉटन मार्केट चौक से मानव चौक तक वाहनों की आवाजाही एक तरफा पुराने लोहा पुल से होगी। वर्तमान में मानव चौक की सड़क कॉटन मार्केट सड़क से विस्तार से जुड़ी हुई है, और इसी तरह ये RUB का एक बेहतरीन यहाँ पर शानदार बनाया गया। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लाल रिबन लगाई गई है। थोड़ी देर में यहाँ पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आएंगे, उनके हाथों से ये फीत काटी जाएंगी और इसका विधिवत उद्घाटन भी किया जाने वाला है। अब हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे थोड़ा बातचीत भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवीण दटके यहाँ पे मौजूद है। सर, जिस प्रकार से आज ये नया RUB जो बनाया है, कितना नागपुर को फायदा होने जा रहा है? नागपुर को फायदा होने जा रहा है, यानी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने के लिए ये पुलिया है। लोखंडी पुल बहुत पुराना होते जा रहा है, जैसी स्थिति अपने अजनी पुल की है वैसी स्थिति हो रही है। इस कारण ये पुल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और माननीय नितिन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से CRF से निधि आकर ये रास्ता बन रहा है। और इसके कारण पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले जो अकेला लोखंडी पुल था, उसके भाई जाने के लिए अलग पुल और आने के लिए अलग पुल होगा। इससे विद्यार्थी होंगे, नौकरी पेशा के लोग होंगे, व्यापारी होंगे, कॉटन मार्केट में आने वाले जो लोग होंगे, उन सभी को इस पुलिया का बहुत सारा उपयोग होगा। इसलिए नागपुर की जनता की ओर से माननीय नितिन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ पे आ रहे हैं और लोग भी काफ़ी उत्साही और आनंदित दिखाई दे रहे हैं, ये सब देखते हुए कैसा लग रहा है सर? नहीं, लग रहा तो अच्छा ही है, क्योंकि जब से गए 8 साल से सेंटर में भाजपा की सरकार है, पिछले 5 साल हमारी सरकार थी, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी को गए और वो मराठी जला मंडा तेवाया गेले। अब ऐसा हुआ, फिर माननीय देवेंद्र जी की सरकार आई है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी का सरकार है, और इससे नागपुर को बहुत कुछ मिल रहा है। उनके यूनिवर्सिटी को पैसा मिल रहा है, खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए पैसा मिल रहा है, 900 करोड़ के सीमेंट रोड के लिए पैसे मिल रहे हैं, सभी सेक्टर में पैसे मिल रहे हैं। इसलिए नागपुर में उत्साह का वातावरण है, और जो विकास करेगा नागपुर विकास के लिए बहुत अग्रसर है, इसलिए उत्साह का वातावरण। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आप थे प्रवीण दटके जी, उन्होंने बखूबी बेबे के साथ ये बताया कि किस तरह से नागपुर में उत्साह बना हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहोगे, आज किस लिए आए हो यहाँ? मैं भी इनका BJP के साथ ही हूँ और यहाँ पर आगे खड़ा हुआ हूँ, देख रहा हूँ डेवलपमेंट हो रहा है। आज हमारे नागपुर के अंदर BJP गवर्नमेंट भी आई है, तो वो हिसाब से बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज ट्रैफिक कंजेशन जो था, उस ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए जो काम हुआ है, ये बहुत ही नेक काम हुआ है और इसकी ज़रूरत थी और बहुत सालों से ज़रूरत थी। आज अल्टीमेटली इनिशिएटिव लिया गया है, तो तारीफ़ काबिल चीज़ है। क्या नाम है आपका? युवराज व्यास। तो
आप थे युवराज व्यास और प्रवीण धटके और ऐसे कई लोग हैं जो आज इस खुद साक्षी बन के यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में ये जो पुल है, ये RUV जो है, इसका उद्घाटन होने वाला है। आज भले ही यहाँ पे कुछ थोड़ा यहाँ दिखा देते हम आपको कि यहाँ पे देखिए कि आज यहाँ पर एक भी कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र सिर्फ यहाँ पे दी महान्यूज़ दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ सब तरफ जाएंगी, लोग यातायात यहीं से शुरू करेंगे और अच्छे इस RUV बनने से नागपुर शहर का जो ट्रैफिक है काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। जिस प्रकार से नागपुर का पॉपुलेशन 35 से 40 लाख है, उससे कई गुना अधिक यहाँ वाहनों की संख्या है। वाहनों की संख्या बढ़ने से यहाँ पे यातायात जो अवरुद्ध होता है, काफ़ी तकलीफें होती है। सुबह 9, 9:30 बजे का समय हो या रात ऑफिस छुट्टे का जो 5:30, 6 बजे का समय हो, यहाँ पे इतना कंजस्टेड, इतनी यातायात रहती है, ट्रैफिक पूरा जगह से हिल भी नहीं सकता। ऐसे में ये पुलिया बनने से एक राहत की सांस इस नागपुर शहर के लोगों ने ली है, ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के इस नए RUV से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, दीप महान्यूज़ नागपुर।